तो लौकी की सब्जी अगर इस तरह बनाएंगे ना तो ना खाने वाले भी उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे, इतनी टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसे। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो लौकी को ले लिया, उसे अच्छे से छील कर धो लिया था और इस तरह से उसे गोल कट कर लेंगे। तो यहाँ पर थोड़े मैंने मोटे पीस कट करे हैं, बिल्कुल बारीक ना करें, देखिए इस तरह से इतने मोटे होने चाहिए पीसेस। तो सारी लौकी को इसी तरह से हम काट लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारी लौकी को जो है कट कर लिया है। तो लौकी कट कर हो गई है तैयार। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर कुछ मसालों को छिड़केंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर को डाला है, आधा चम्मच से कम नमक डाला है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक चौथाई चम्मच गरम मसाले को डाला है, इसके अलावा कोई मसाला नहीं डालेंगे। अब इन मसालों को लौकी में आगे और पीछे अच्छे से लगा देंगे। तो इस तरह से मैं हाथ से लगा रही हूँ, इससे क्या होगा जो सारे मसाले हैं लौकी में अच्छे से लग जाएंगे। तो ये देखिए इसी तरह से सारी लौकी में मैंने मसालों को लगा लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें मैंने आधा नींबू लिया है और इसके ऊपर हम यहाँ पर आधा नींबू छिड़क देंगे। तो इससे क्या होगा लौकी का जो है टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पर मैंने आधा नींबू छिड़क दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं इसे कम से कम 10 मिनट के लिए ढककर रख दूँगी ताकि जो लौकी है सारे मसालों को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। तो 10 मिनट बाद ढक्कन रख कर चेक कर लेते हैं लौकी को। तो ये देखिए जो लौकी ने मसाले एब्जॉर्ब कर लिए। पैन में 2 बड़े चम्मच तेल को डाला है, यहाँ पर मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं उसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर लौकी को एक एक करके यहाँ पर मैंने पैन में रख दिया है और इसे नीचे से अच्छे से सिकने देंगे जबकि इसमें गोल्डन सा कलर ना आ जाए। तो यहाँ पर मैंने इसे ढककर रख दिया जिससे लौकी जो है थोड़ी गल भी जाएगी और अच्छे से नीचे से सिक भी जाएगी। तो देखिए लौकी हमारी सिक चुकी है, ये देखिए इसमें हल्का सा गोल्डन कलर आ चुका है। बस इसी स्टेज तक हमें लौकी को सेकना है। तो सारी लौकी को आप पलट देंगे और इसी तरह से इसे ढककर नीचे से भी सेक लेंगे ताकि नीचे भी इसमें अच्छा सा एक गोल्डन कलर आ जाए। तो अब इसे ढक देते हैं और इसे नीचे से भी सिकने देंगे। थोड़ी देर बाद ढक्कन डाल के चेक कर लेते हैं। तो हमारी जो है लौकी नीचे से भी जो है सिक कर तैयार हो चुकी है। तो अब सारी लौकी को एक प्लेट पर निकाल लेंगे और इसी तरह से हम जो दूसरा बैच भी है तैयार कर लेंगे, जो हमारी बाकी बची हुई लौकी है उसे भी इसी तरह से गोल्डन कलर आने तक सेक लेंगे। तो ये देखिए सारी लौकी को यहाँ पर मैंने निकाल लिया है और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इतनी अच्छी लग रही है देखने में, इसमें अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है ये देखिए। उसके बाद इसी पैन में फिर से 2 बड़े चम्मच सरसों के तेल को ऐड किया है, यहाँ पर 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च जिसे बिल्कुल बारीक काट लिया था उसे तेल में ऐड कर देंगे और हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है जब तक दूर नहीं हो जाता। उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 टमाटर जिन्हें कद्दूकस कर लिया था उसे भी इसमें ऐड कर देंगे और मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर मैंने आधा टमाटर लेकर उसे बिल्कुल बारीक काट लिया था उसे भी इसमें ऐड कर देंगे और उसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और सब चीज़ों को भून लेंगे। तो उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच बेसन ऐड करेंगे। तो बेसन ऐड करने से क्या होगा, जो हमारी लौकी की ग्रेवी है बहुत ही गाढ़ी गाढ़ी सी बनेगी और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगी। तो बेसन को भी इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच मलाई को ऐड किया है। तो मलाई को पहले मैंने अच्छे से फेंट लिया था, फिर इसमें ऐड करेंगे। तो इस तरह से आप एक बार लौकी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनती है और आपको लौकी का टेस्ट जो है थोड़ा सा अलग आएगा इसमें। आधा चम्मच भरकर देगी मिर्च को ऐड किया, इससे कलर अच्छा आता है। आधा चम्मच ही यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर को ऐड किया है और 1/4 चम्मच यहाँ पर मैंने गरम मसाले को ऐड किया है। अब सब मसालों को इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे जब तक कि इसमें ऑयल सेपरेट ना हो जाए। इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाला है और मसाले में अच्छे से मिक्स कर दिया ताकि जो हमारा मसाला है जले ना। तो अब यहाँ पर हम मसालों को खूब अच्छे से भूनेंगे जब तक कि इसमें ऑयल दिखाई ना देने लग जाए। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने इसे ढककर रख दिया है और पकने देंगे लो फ्लेम पर।
थोड़ी देर बाद ढक्कन लगा के चेक कर लेते हो। देखिए यहाँ पर ऑयल दिखाई देने लग गया, इसका मतलब जो हमारा मसाला है भुनकर हो गया तैयार। अब इसके बाद इसमें मैं पानी को ऐड करूँगी। तो ग्रेवी को कितना रखना है आपके ऊपर है। तो यहाँ पर मैंने आधा ग्लास पानी को ऐड किया है और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद जो हमने लौकी को रखा था उसे इसमें ऐड कर देंगे। तो सारी लौकी को एक एक करके इसमें ऐड कर देंगे। तो ये देखिए सारी लौकी मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है। उसके बाद सब लौकी को ऐड करने के बाद यहाँ पर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए इसे ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी को ऐड किया है, लगभग आधा चम्मच, और स्वाद के अनुसार नमक को ऐड करेंगे। अब सब चीज़ों को फिर से अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे ताकि जो नमक है हमारी सब्ज़ी में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए आपको देखने से ही पता चल रहा होगा इसकी ग्रेवी कितनी थिक बनकर तैयार हुई है। अब इसे ढककर पकने देंगे जब तक कि हमारी लौकी अच्छे से गल ना जाए। तो यहाँ से 6 से 7 मिनट हो गए इसे पकते हुए। तो ये देखिए गैस को यहाँ पर बंद कर देंगे और हमारी लौकी भी अच्छे से गल चुकी है। अब इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो दोस्तों आप लौकी की सब्ज़ी तो कई बार बनाते होंगे लेकिन एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। ना खाने वाले भी उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।